नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम मुंजल ऑटो इंडस्ट्री शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे ऑटो एंसिलरीज का, इंडस्ट्री है ऑटो एंसिलरीज का। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप चल रहा है 815 करोड़ के आसपास, एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 368 करोड़ का एंड करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है 81.5 का एंड बुक वैल्यू देखेंगे 38.8, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 2.1 के आसपास। प्रोमोटर होल्डिंग है 75%, जो कि पॉजिटिव साइन है हायर प्रोमोटर होल्डिंग। अगर डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.72, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप वहाँ पे मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं एक्सपेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 6%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 10% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 62%। तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। उसके साथ स्टॉक का प्राइस ने उसका मल्टी ईयर का एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि आगे हम चार्ट में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आप सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर, तो लास्ट 5-6 क्वार्टर से सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों फ्लैट है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो प्रोमोटर का होल्डिंग 75% बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव साइन है, कंपनी के ऊपर फेथ है प्रोमोटर का। एफआई के पास माल है 0, डीआई के पास 0.03 एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 25%, जो कि हायर साइड के ऊपर। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप वहाँ पे रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं चार्ट में, जिसमें एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट अभी हमको देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है मुंजल ऑटो इंडस्ट्री का एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, प्राइस देखिए यहाँ पे 2017-18 के आसपास यहाँ पे टॉप बना था। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन के यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई देखने को मिला है एंड फाइनली देखिए प्राइस जो उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस जोन था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है एंड ब्रेकआउट करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दिया है एंड जिस टाइप का अभी सेटअप दिखाई दे रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले टाइम में प्राइस शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो 95 लेवल है उसको टेस्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ से और भी ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है लाइफ हाई को ब्रेक करने के बाद, जो कि टारगेट निकालने के लिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, जो कि नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1.618 का 146 एंड उसके बाद जो टारगेट बनेगा 225 का 2.618। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करना है। जैसे कि प्राइस देखिए यहाँ पे क्लोज 80 के आसपास, करंट प्राइस के ऊपर एंट्री करेंगे हमारे लिए रिस्क हाई रहेगा, इसलिए अगर थोड़ा सा पुल बैक कर लेता है 67-68 ये लेवल सबसे बेस्ट रहेगा फ्रेश एंट्री करने के लिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है वेरी वाइड बन रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग लो यहां पे बन रहा है 50 के आसपास, तो जो प्रीवियस स्विंग लो है 50 यहां पे हमारा एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 80 के ऊपर एंट्री ना करके पुल बैक का वेट कर सकते हैं। सेटअप अच्छा है, लेकिन आपको हमेशा से अपना रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज करना है। करंट प्राइस के ऊपर थोड़ा रिस्क हाई बन रहा है, इसलिए पुल बैक का वेट कर सकते हैं एंड पुल बैक आएगा भी, अगर पुल बैक करता है वहां पे अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं राशियो चार्ट। ये तो हो गया हमारा प्राइस स्ट्रक्चर, जिसमें क्लियर कट हमको एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। राशियो चार्ट देखेंगे, राशियो चार्ट में भी उस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि राशियो चार्ट ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है, अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा फ्लैट चैनल। क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे 2018 में टॉप बन जाने के बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड फाइनल देखिए यहाँ पे राशियो चार्ट जो डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक कर दिया है। इसका मीनिंग है कि राशियो चार्ट ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में मुंजल ऑटो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर हम सारा पैरामीटर देखेंगे प्रोबेबिलिटी हाई है स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड व्यू से एक बार पुल बैक का वेट करना चाहिए, जो कि बन रहा है नियरली 67 के आसपास एक बेटर लेवल रहेगा। 67-65 फ्रेश एंट्री करने के लिए बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड व्यू से, करंट प्राइस से थोड़ा रिस्क हाई बन रहा है।
मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।